हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12 सीपी बोर्ड की सेकंड पोयम द ट्रू ब्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंपोज की हुई है थॉमस केलू के द्वारा। इस पोयम की रीडिंग भी करेंगे और समरी भी समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन है सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों, इस पोएम में कवि ने बताया है कि ट्रू ब्यूटी, सच्ची सौंदर्यता व्यक्ति की कैसी होती है, क्या होती है। कवि के अनुसार दो प्रकार की ब्यूटी की बात की गई है यहां पर। एक ब्यूटी है आपकी फिजिकल ब्यूटी एंड सेकेंड ब्यूटी है आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसको हम इनर ब्यूटी भी बोलते हैं, इनर ब्यूटी। कभी ने दो प्रकार की सुंदरता के बारे में यहां पर डिफ्रेंसिएशन किया है, डिफरेंट अंतर बताया दोनों में। कभी कहता है कि एक व्यक्ति जो कि बाहर से कितना भी सुंदर हो, उसकी सुंदरता समय के साथ ढह जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता अकॉर्डिंग टू द पोएट समय के साथ नहीं घटती है। एक सुंदर व्यक्ति वही होता है जिसके विचार, जिसमें सम्मान की भावना, जिसकी भाषा शैली, जिसकी सोच, ये सब कुछ गुण होते हैं, अच्छे होते हैं, वो व्यक्ति इस स्पिरिचुअल ब्यूटी के अंतर्गत आता है। बिकॉज फिजिकल ब्यूटी पासेस विद द पासेस ऑफ टाइम एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी डज नॉट पास विद द पासेस ऑफ टाइम। इट रिमेन्स, दैट मीन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी रिमेन्स टिल द डेथ ऑफ अ पर्सन। दैट्स व्हाई हमको स्पिरिचुअल ब्यूटी अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये व्यक्ति को महान बनाती है। आज की दुनिया में सब व्यक्ति इस ब्यूटी के पीछे भाग रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी, बेहतरीन तरीके से कपड़े पहनना, बेहतरीन साज सज्जा करना, लेकिन उसकी जो भाषा शैली है, उसके जो विचार है, वो थोड़े से हटके हैं, थोड़े से नकारात्मक होते हैं। इसलिए उसके लिए सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, घृणामय हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं कि व्यक्ति सुंदर तो है लेकिन इसकी विचारधारा और भाषा शैली बहुत गंदी है। तो ये प्रेम की भावना जो उसके अंदर है वो खत्म होती चली जाएगी। आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। ही दैट लव्स अ रोजीची, ही एंड वाय दैट मींस जो, वह जो लव प्यार करता है अ रोजी चीज, रोजी यानी गुलाबी। एक व्यक्ति जो या वह जो प्यार करता है रोजी यानी गुलाबी चीज यानी गारों से, जो व्यक्ति गुलाबी गारों से प्रेम करता है और या कोरल लिप्स, कोरल यानी होता है मूंगा, मूंगा जैसे लिप यानी और एडमायर यानी प्रशंसा करना। एक व्यक्ति वो भी होता है जो प्यार करता है गुलाबी चीज गारों से और या मूंगा जैसे ओंट हो उसकी क्या एडमायर यानी प्रशंसा करता है, प्रेज करता है उसको, और या फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या वो स्टार लाइक आईज यानी तारों के जैसी आंखें, डोथ सी, डोथ यानी बोध, बोध यानी दोनों, सी यानी ढूंढना सर्च करना, या वो उसकी आंखों में, दोनों आंखों में क्या ढूंढता है, प्यार ढूंढने की कोशिश करता है, या उसकी आंखों में तारे ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी जो आंखें हो जिसे वो प्रेम करता है वो तारे के समान चमकदार हो। एक चीज बच्चों आपको बता दूं, स्टार लाइक आईज, इस लाइन में एक अलंकार का यूज हुआ है सिमली अलंकार। जब दो वस्तुओं की तुलना हो, स्टार तारे और एक व्यक्ति की तुलना हो रही है और उस पर तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया गया है, यहां पर यूज है सिमली का। फ्यूल टू मेंटेन ईच फायर, फ्यूल यानी ईंधन, टू मेंटेन यानी संतुलित करना ईच फायर,
पर्सन आग। अब आग, ये व्यक्ति जो प्यार करता है उसके अंदर कौन सी आग जल रही है? प्रेम अग्नि। जो उसकी प्रेम अग्नि है उसको मेंटल यानी संतुलित या बुझाने के लिए वो फ्यूल यानी ईंधन ढूंढता है। ही दैट लव्स अ रोजी चीज, ये व्यक्ति जो गुलाबी होंठों से प्यार करता है या उसके जो मूंगा जैसे ओंठ है उसकी प्रशंसा करता है, गुलाबी ओंठ ढूंढता है या उसकी आंखों में तारे ढूंढने की कोशिश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी जो प्रेम अग्नि है उसको मेंटेन संतुलित करने के लिए फ्यूल ईंधन ढूंढता है, प्रेम ढूंढता है। अब दूसरी चीज, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल यानी ईंधन, मेंटेन हिज फायर, यहां पर भी एक अलंकार का यूज हुआ है मेटाफर। इसका मेटाफर, अब ये अगर एक ही स्टंजा में दो अलंकार का यूज हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई। मतलब ये स्टंजा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जा सकता है। अब यहाँ पर अलंकार का भी यूज हुआ है, अगर आप जब एक्सप्लेनेशन करते हैं या सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो आप अगर आप ये बता देते हो तो एग्जामर समझ सकता है कि आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो, बाकी तो आपकी मर्जी। एन ओल्ड टाइम, एन ओल्ड टाइम मीन्स दी डिके, डिके यानी होता है खत्म करना, समाप्त करना, एंड अप करना। ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम यानी बीते समय में या आने वाले जो समय है कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मीन्स दी डिके, कुछ समय बाद ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, गुलाबी ओंठ खत्म हो जाते हैं, मूंगे की जैसे लिप्स खत्म हो जाते हैं, गाल खत्म हो जाते हैं, तारों जैसी आंखें खत्म हो जाती है, आपका वृद्धावस्था आती है। एन ओल्ड टाइम यानी वृद्धावस्था आने पर, जब आपके व्यक्ति की वृद्धावस्था आ जाती है तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सो ही फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे, फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी जो प्रेम अग्नि की, फ्लेम मतलब ज्वाला होता है, ज्वाला क्या जल रही है व्यक्ति के अंदर, कौन सी जल रही है, प्रेम अग्नि, जो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम अग्नि जल रही है, प्रेम की अग्नि जल रही है, वो बेस्ट अवे यानी बर्बाद या नष्ट हो जाती है। बट आ स्मूथ, स्मूथ यानी होता है स्थिर, स्मूथ और स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट यानी कठोर, लेकिन एक स्थिर और स्मूथ स्टेडफास्ट माइंड, एक स्मूथ यानी स्थिर और कठोर जो दिमाग वाला व्यक्ति होता है, संतुलित अवस्था वाला व्यक्ति होता है, जेंटल थॉट, उसके विचार बिल्कुल सामान्य होते हैं, थॉट यानी विचार, जेंटल यानी सामान्य, उसके जो विचार होते हैं बहुत सामान्य होते हैं। ही काम्स डाउन, काम्स यानी शांत और डिजायर्स यानी इच्छा, उसके जो मन की इच्छाएं होती है बहुत शांत होती है, उसके जो विचार होते हैं बहुत सामान्य होते हैं, किसके, जो व्यक्ति कैसा हो, स्थिर हो और कैसा हो, कठोर हो। हर्ष विद इक्वल लव कंबाइन, उसकी जो हृदय है वो धड़कता है विद इक्वल लव, समान प्यार होता है, कंबाइन जुड़ा हुआ होता है। स्थिर और कठोर व्यक्ति का जो हृदय होता है वो बिल्कुल शांत अवस्था में धड़कता है। टिंडल नेवर डाइंग फायर, डाइंग फायर, टिंडल नेवर डाइंग फायर मतलब प्रेम अग्नि नहीं जलती है, प्रेम अग्नि नहीं जलती है, जलती तो है लेकिन इस प्रकार की प्रेम अग्नि नहीं जलती है, वो इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता है, जिससे स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्यार करता है, क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर यानी जहां पर, दीज आर नॉट जहां पर, ये सब चीजें नहीं होती है, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, मैं उस व्यक्ति से घृणा करता हूं जो स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्यार नहीं करता। ये बात कौन बोल रहा है, लवली चीक्स और लिप्स और आई, प्यारे चीक्स, गाल, ओंठ और आंख है, और स्टडी कर लेते हैं। ही दैट्स लव्स अ रोजी चीक, जो एक गुलाबी ओंठों से, वो गालों से प्यार करता है, मुंह जैसे ओंठों से प्यार करता है, और जो उसकी आंखों में चांद तारे देखने की कोशिश करता है, अपनी प्रेम आदमी को जलाने की कोशिश करता है, ईंधन ढूंढता है। अब आपको पता होना चाहिए सब चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती है, उसकी प्रेम आदमी भी बर्बाद हो जाती है, लेकिन इससे कठोर दिमाग वाला व्यक्ति, उसके जो दिमाग के विचार होते हैं बहुत शांत होते हैं और सामान्य होते हैं, वो कभी भी फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करता है, उसका हृदय
समानता पूर्वक धड़कता है। पिंडल लेवल टाइम पर पूरी बात न्यूज के अंदर नहीं जलती है, किसके लिए? फिजिकल ब्यूटी के लिए। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं, मैं घृणा करता हूँ उससे। लवली चीज किससे? ऑटो से और कारों से, ऑटो से और उसकी आंखों से। ये थी आपकी पोएम के लिए। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसके कुछ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।